नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनदीप देशवाल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन से पाठ 4, हौसलों की उड़ान। आइए शुरू करते हैं। पक्का इरादा। तो पक्का इरादा क्या होता है बच्चों, आइए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं पाठ में क्या दिया गया है। वहीदा बोल बोल कर अखबार पढ़ रही है। बेटियों ने रचा इतिहास। सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में इरा सिंगल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीदा का छोटा भाई हामिद सुन रहा है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वहीदा के हाथों में अखबार है और वो उस अखबार को पढ़ रही है। और उसने क्या पढ़ा कि बेटियों ने रचा इतिहास, और साथ में वहीदा का भाई बैठा है हामिद, जो इस बात को सुन रहा है। और वहीं वहीदा के बाईं ओर बैठी है उसकी अम्मी। आगे है वहीदा की अम्मी। वहीदा, इरा सिंगल के बारे में पढ़ रही हो क्या? वहीदा, हाँ अम्मी, अखबार के साक्षात्कार में उन्होंने बताया है मुझे रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी की बीमारी को हम क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस। तो राइट साइड में देखिए, ये हमें फोटो दिया गया है इरा सिंगल का, जिनको कौन सी बीमारी थी? स्कोलियोसिस। 7-8 साल की उम्र से इसके कारण अधिक परेशानी होने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रेस यानी पेटी बांधी जाती, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। अम्मी, पढ़ाई के साथ साथ इरा और भी कई शौक रखती है, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। वहीदा, अम्मी, इतनी परेशानियों के होते हुए इरा का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल रहा होगा। आइए एक बार थोड़ा स्कोलियोसिस के बारे में जान लें। स्कोलियोसिस क्या है? स्कोलियोसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है, जिससे रीढ़ की हड्डी एक ओर झुक जाती है। जिन बच्चों में यह समस्या होती है, उनमें उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के विकास के कारण यह समस्या बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं। अम्मी, हाँ, मुश्किल तो था ही। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उसे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ती हैं। हामिद, दीदी, आज आपके स्कूल की छुट्टी है? दीदी, हाँ, तुम भी तो स्कूल नहीं गए। हामिद, दीदी, आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि कौन कौन बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं? दीदी, हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़कर जाती हूँ। हामिद, खुद पढ़कर? वह कैसे? दीदी, मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। तो हामिद की दीदी क्या बताती हैं कि वो किससे पढ़ती हैं? ब्रेल लिपि से। वहीदा, दीदी, आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी ना? आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं, पर परीक्षा कैसे देती हैं? दीदी, परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती है। हम बोलते हैं और वह लिखता है। हामिद, दीदी, ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ना। तो बच्चों, हामिद अपनी दीदी को बोलता है कि ब्रेल लिपि के बारे में उनको कुछ बताओ। तो आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। दीदी, लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आँख में चोट लगने से वे आँखों की रोशनी खो बैठे। अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए कूटलिपि का विकास किया, जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। आगे है ब्रेल लिपि। तो आइए बच्चों, ब्रेल लिपि के बारे में और जानते हैं। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। तो इसमें हमारे कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु।
इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती हैं। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6-6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम से स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर 6 बिंदुओं से अल्फाबेट्स यहाँ बनाए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बच्चों, ब्रेल लिपि में अल्फाबेट्स इस प्रकार होते हैं। जो डार्क सर्कल आपको दिख रहे हैं, वो जो है वो बिंदु उभरे हुए होते हैं। आइए इससे जुड़ा अभ्यास देखें। पता करो, अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसने विशेष आवश्यकताओं के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की हो। तो बच्चों, आपको यह पता लगाना है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी विशेष आवश्यकता के बावजूद, जैसे कोई देख नहीं सकता या कोई सुन नहीं सकता या किसी को कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और उसने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, तो आपको उसके बारे में पता लगाना है कि वह कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ तक वो पढ़े हुए हैं और कैसे विद्यालय में वो पढ़े हैं और अब वो क्या करते हैं। आगे है, सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है, जो लोग ठीक से चल नहीं सकते उनके लिए स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो बच्चों, जो लोग ठीक से चल नहीं सकते उनके लिए स्कूलों में सीढ़ियों की जगह रैंप होने चाहिए ताकि उन्हें चढ़ने में आसानी हो। व्हील चेयर का प्रबंध होना चाहिए। बड़े स्कूलों में लिफ्ट भी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या तुम्हारे स्कूल में वे सभी सुविधाएं हैं? अगर आपके स्कूल में ये सुविधाएं हैं तो हाँ लिखें और अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो यहाँ नहीं लिखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि नहीं तो इसके लिए किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए? तो बच्चों, अगर आपके स्कूल में ये सब सुविधाएं नहीं हैं तो इसके लिए सरकार और समाज को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, तभी स्कूलों में उक्त सुविधाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम्हें लगता है कि स्कूल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मिलें तो वे स्कूल आने के लिए अधिक उत्साह दिखाएंगे? जी हाँ बच्चों, निश्चय ही विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को यदि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सभी सुविधाएं मिलें तो वे स्कूल में आने में अधिक उत्साह दिखाएंगे। तो बच्चों, अभी तक जितना हमने पाठ पढ़ा ये थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे। यदि आपके आसपास या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा विशेष आवश्यकताओं वाला कोई बच्चा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।